तेज बारिश के साथ आंधी तूफान ने मचाई तबाही, कहीं सड़कों पर तो कहीं बिजली पोल पर गिरे पेड़। नदी में डूबने से युवती की मौत और मुक्तिधाम में बुझी कोविड की आग, अनलॉक के बाद कम हुआ कोरोना से मौत का आंकड़ा। नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। मौसम विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश में 15 जून से मॉनसून आने की संभावना है, लेकिन बालाघाट में कल शाम से तेज बारिश के साथ आए आंधी तूफान ने तबाही मचा दी। कहीं पर बड़े बड़े पेड़ जड़ से उखड़ गए तो कहीं पेड़ों की मोटी मोटी टहनियां टूटकर धराशायी हो गई। उकवा से बहिया रोड पर समनापुर खंडापार के बीच रोड पर विशालकाय पेड़ गिरने से आवागमन लगभग 2 घंटे तक बाधित रहा, जिससे बालाघाट बहिया जाने वाले मुसाफिरों को घंटों परेशान होना पड़ा। कड़ी मशक्कत के बाद पेड़ को काटकर जेसीबी मशीन की मदद से सड़क से हटाया गया। थाना कोतवाली अंतर्गत वैनगंगा नदी की शंकर घाट में 19 वर्षीय युवती की पानी में डूबने से मौत हो गई, जिसकी सूचना डायल 100 और कोतवाली थाने में मिलने पर नगर पुलिस अधीक्षक करणिक श्रीवास्तव, कोतवाली टीआई मंशाराम रोमड़े हमरा स्टॉप के साथ मौके पर पहुंचे। मृतिका हर्षी पिता अशोक कश्यप का शव बरामद कर पंचनामा पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। कोरोना की दूसरी लहर के पीक समय में एक दिन में 1.5 दर्जन शवों का अंतिम संस्कार किए जाने वाली गायखोरे मोक्षधाम में अब इक्का दुक्का ही अंतिम संस्कार किए जा रहे हैं। 1 जून से जिला अनलॉक होने के बाद मुक्तिधाम में लगे ठेकेदार के उन कर्मचारियों को वहां से मुक्ति दे दी गई है जिन्होंने उस भयावह दौर में कोरोना संक्रमित मरीजों का अंतिम संस्कार किया था। अब यहां पर निःशुल्क लकड़ी भी शव जलाने के लिए नहीं मिलती है। नगरपालिका के 2 कर्मचारी सामान्य दिनों की तरह मुक्तिधाम में अंतिम क्रिया संपन्न करा रहे हैं। जहां एक ओर जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में उल्लेखनीय कमी आई है, वहीं अब कोविड से हुई मौतों के बारे में खबर सुनने को नहीं मिल रही। निश्चित रूप से राहत देने वाली खबर है। अब लोगों के साथ साथ इस आपदा में जुटे शासकीय कर्मचारियों ने राहत की सांस लेना शुरू किया है। किरणापुर एसडीएम निकिता सिंह मंडलोई ने मंगलवार रात में रजेगांव चेक पोस्ट का आकस्मिक निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं को देखा। इस दौरान उन्होंने महाराष्ट्र से आने वाले वाहनों और यात्रियों की जांच के निर्देश दिए और कहा कि वाहनों और यात्रियों की जांच में कोविड-19 प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करें। बिरसा ब्रिगेड और अर्पित सेवा संस्थान बालाघाट के संयुक्त तत्वावधान में महामानव जननायक धरती आबा बिरसा मुंडा की 121वीं शहादत दिवस को वीर बिरसा मुंडा चौक बालाघाट में मनाया गया। इस अवसर पर उपस्थित पदाधिकारियों ने धरती आबा बिरसा मुंडा के छायाचित्र पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में उपस्थित प्रमुख पदाधिकारियों ने बिरसा मुंडा के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला और उनके विचारों और आदर्शों पर चलने के लिए लोगों को प्रेरित किया। आदिवासी कोली समाज विकास समिति द्वारा भरवेली ऊंची बारंग शिव मंदिर वार्ड नंबर 3 में बुधवार को बिरसा मुंडा शहीद दिवस मनाया गया। इसके बाद खैरीकांड में मृत 26 लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। समाज के प्रांतीय अध्यक्ष दिनेश रौतेल और समाज के लोगों ने कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए कार्यक्रम को संपन्न कराया। उपाध्यक्ष गणेश कटौते, कोषाध्यक्ष लखन कटौते, प्रभा कटौते, कार्तिक कटौते, महिला मंडल अध्यक्ष सरोज कटौते, पुनियाबाई कटौते, संध्या कटौते, निर्मला कटौते इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सभी उपस्थित रहे। शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल बालाघाट के एनसीसी कैडेट ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर अपने अपने घरों के सामने पौधरोपण कर उसके संरक्षण करने का संकल्प लिया। इस संबंध में एनसीसी अधिकारी कंचन दास महाजन ने बताया कि वृक्ष प्रकृति के अनमोल धरोहर हैं जो पर्यावरण और प्राणियों के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। पेड़ मनुष्य को ऑक्सीजन देते हैं, इसके अलावा पेड़ों से फल, छाया और लकड़ी मिलती है। उन्होंने बताया कि पर्यावरण दिवस के अवसर पर नीम, पीपल, बरगद, पपीता, आम, जामुन सहित अन्य प्रजाति के पौधे लगाए गए। वृक्षारोपण के दिन हमने वृक्ष लगाया। हमारा वृक्ष लगाने का मेन उद्देश्य यह है कि कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी के कारण लोगों की ज्यादातर मौतें हो रही है, इस कारण हम वृक्ष लगा रहे हैं। आपसे निवेदन है कि आप सभी पेड़ पौधे लगाएं, उनको पालन पोषण करके बड़ा करें ताकि वो जरूरत पड़ने पर आपको ऑक्सीजन दे, क्योंकि अभी कोरोना काल के चलते ऑक्सीजन की बहुत कमी हो रही है लोगों को। सो प्लीज आप लोग भी पेड़ लगाइए। धन्यवाद। जय जय भारत। प्रख्यात संत और मानव धर्म के प्रणेता सदगुरु श्री सतपाल महाराज की प्रेरणा से 8 जून को मानव उत्थान सेवा समिति जिला बालाघाट द्वारा महात्मा सुप्रभात बाई के कुशल नेतृत्व में कोरोना वायरस की तीसरी लहर को देखते हुए और उसकी रोकथाम के लिए समिति द्वारा मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया गया। जिले के समीपस्थ मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सीमा से लगे रजेगांव स्थित पुलिस चौकी में और सीमा के राहगीरों को सैनिटाइजर, साबुन, मास्क जैसी आवश्यक सामग्री वितरित की गई। साथ ही कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए मास्क पहनने और दूरियां रखने के साथ साथ साबुन से बार बार हाथ धोने की सलाह दी गई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।